shall be destroyed. Pete, I'm done running. सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मार्वल की इस साल की मच अवेटेड मूवी गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि इस ट्रायलॉजी का फाइनल पार्ट है। और ये मूवी जेम्स गन की भी लास्ट मूवी है एमसीयू में, क्योंकि अब वो डायरेक्ट करेंगे डीसीयू की मूवीज इंस्टेड ऑफ एमसीयू की। तो पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखने के बाद आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि शायद कोई आपको स्पॉइलर ना मिले, तो वीडियो को एंड तक देखो। चलो तो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। हम सभी फैंस को पता होगा कि आयरन मैन, जो कि एमसीयू की पहली मूवी थी, वहां से लेकर के एंड गेम तक हमने मार्वल सारी मूवीज को भर भर के जिया है। लेकिन एंड गेम के बाद कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि जो इसके बाद मूवी आ रही है वो ठीक ठाक ही है। कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन नहीं बना पा रही है अपने ऑडियंस के साथ, जिस तरह की एमसीयू बाकी मूवीज पहले करती थी। कहीं ना कहीं ये बात सबको फील होती थी, और इसका जो इफेक्ट है वो मार्वल की कलेक्शन से पक्का पड़ रहा था। बॉक्स ऑफ कलेक्शन अब देख ही पा रहे थे उसकी। लेकिन इसके बाद जो सारी की सारी उम्मीदें थी वो बन चुकी थी गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। इस फ्रेंचाइज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अनरेटेड सी रही है मार्वल के अंदर, क्योंकि मार्वल ने बहुत सारी मूवीज दी हमें। तो गार्जियन गैलेक्सी पूरी लीड है इनका, कहीं ना कहीं उसमें दब के रह गए, हमें पता नहीं चला इनका। जबकि इसके दो पार्ट जो पहले आ चुके हैं उन्होंने ऑडियंस की रेटिंग के हिसाब से अच्छा खासा बिजनेस भी किया है। लेकिन जब अब अपने वॉल्यूम 3 के साथ ये मूवी आई है, तो इनका पूरा का पूरा एक चांस है कि मार्वल के उन फैंस को वापस फिर से उसी लीड में लेके आए, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए और अपना एक अच्छा खासा इम्पैक्ट ऑडियंस पे छोड़े। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि उनका ये फाइनल पैंतरा है अच्छे से काम किया, क्योंकि जेम्स गन, जिनका ये लास्ट डायरेक्शन होने वाला है एमसीयू में, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया इस मूवी में। क्योंकि जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मूवी तो अच्छी है ही है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है, इस मूवी का हर एस्पेक्ट खास कर ध्यान रखा गया हर चीज का। क्योंकि जेम्स गन का भी एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, इनकी तीनों मूवी को लेके आना ऑडियंस के बीच में। तो उन्होंने अपना सपना पूरा किया, और मैं कहूंगा कि एक अच्छी खास ही उन्होंने एंडिंग दी है लाइक अपने डायरेक्शन से। और जेम्स गन हमारे एमसीयू में कोई मूवी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये एमसीयू के लिए थोड़ा धक्का तो रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टर ढूंढना मुश्किल रहेगा उनके लिए। क्योंकि कई लोगों को उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह का फ्लेम बॉर्न अपनी मूवीज में डालते वो शायद कोई और डायरेक्टर या उनके पास मिल पाना मुश्किल है। और इस मूवी को देखने के बाद आपको पक्का लगेगा कि मार्वल ने एक अच्छा कमबैक किया है। आई से कि अगर वो इसी तरह का टेम्पलेट आगे भी फॉलो करते हैं, जो फेज 4 के अंदर उनका इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ है या फिर थोड़ा कम हुआ है मूवी के साथ कनेक्ट होने का, शायद उसे वापस फिर से पा लेंगे अपने आने वाले फेजेस में। और पर्टिकुलरली इस मूवी के बारे में बात करते हुए कह रहे कि हमें पता कि इसका जो वॉल्यूम 1 था वो वॉल्यूम 2 था, एक तरह से उनके पिता सेकंड पार्ट माँ के बारे में घूमते नजर आता। लेकिन ये वाली मूवी जो स्पेसिफिकली इस मूवी के कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, उनकी डिटेल करती है। और इस मूवी को देखते हुए कहीं ना कहीं आप इसके पहले वाले दोनों पार्ट में से कुछ ना कुछ चीजों को रिकॉल करोगे कि यस इस कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ था या जो जो घटा है उसके साथ। तो अगर आप उन सीन्स को उन चीजों को रिकॉल कर रहे हो, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं इस मूवी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप किसी मूवी के साथ कनेक्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट तो पक्का बढ़ जाता है उस मूवी के लिए। तो अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊं आपको इस मूवी के बारे में, तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक फैमिली मूवी देखना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ जाकर के, और वो भी ऊपर से अच्छे डायरेक्शन के साथ सुपर हीरो मूवीज, तो आई थिंक आपको ये मूवी पक्का चेकआउट करनी चाहिए, बिकॉज आपको हर एक एस्पेक्ट में ये फुल पैकेज मूवी लगने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपकी फैमिली को ये सुपर हीरो मूवी पसंद होनी चाहिए और उन्हें ऑलरेडी इसके जो दोनों पार्ट आ रखे हैं ना उनको देखा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, इसी के साथ ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है जिनको की PG-13 के ऊपर का वाला कंटेंट पसंद आता है, या फिर जिनको इमोशन सीन अच्छे नहीं लगते, सिर्फ एक्शन के पीछे जाते हैं, फिर हो सकता है शायद आपके लिए मूवी थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है। अब आखिर में अगर हम इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात करें, तो इस मूवी के हर एक कैरेक्टर ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इसमें। और हाँ, हमें इस मूवी एक नया कैरेक्टर एडम बारलॉक भी देखने को मिलता है। प्लस मूवी में जो विलन को दिखाया गया वो भी हमें अच्छा लगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से उठाकर विलन बना दिया उसको सामने रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा विलन जिसे देख करके आपके अंदर एक एंगर सी आए, जैसे कि हमें पता है कि इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है उनकी ऑलरेडी जो कैरेक्टर डिटेलिंग है पिछली मूवीज में ज्यादा की नहीं गई है, लेकिन इस मूवी में उनको स्पेसिफिकली सेंट्राइज किया गया है। अगर आपको इसका रॉक कैरेक्टर जो पसंद है, तो आप इस मूवी में देखने को आपको मिलेगा कि उसके लिए कुछ अलग फुटेज या फिर कुछ अलग स्टोरी में थोड़ा डीप गए हैं वो। भाई मार्वल के जो मींस जो कोर फैन है उनके लिए तो सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई है, उनको पता ही होगा। लेकिन हाँ, वो लोग जो सिर्फ मूवी को वंसा ब्लू मून की तरह देखने जाते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि मूवी उनके लिए भी अच्छी है, वो समझ पाएंगे इसे। तो अल्टीमेटली ये एक मूवी कैसा रोलर कोस्टर है जिसमें आपको इमोशंस मिलेंगे, कॉमेडी मिलेगी, हाँ हाँ भाई भूलिए मत एक्शन भी मिलेगा आपको। अगर रेटिंग की बात करें तो मूवी का सिनेमेटोग्राफी, उसके हर एक एंगल से जैसे पिक्चराइज किया गया है, उसका CGI, VFX, स्टोरी, इसमें कॉमेडी एक्शन कह सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो इस मूवी को हम आउट ऑफ 5 4.5
5 रेटिंग दे सकते हैं। और इसके साथ ये विश्वास भी करते हैं कि ये मूवी वापस कमबैक करवा देगी मार्वल का। बाकी अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो आप भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं मूवी कैसी लगी। यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।